आज हम करेंगे सिक्स क्लास के मैथ्स का चैप्टर नाइन डाटा के हैंडलिंग, इसकी एक्सरसाइज 9.3। पहले हमने पिक्टोग्राफ के बारे में पढ़ा था, आज हम करेंगे बारग्राफ। बारग्राफ वो कह रहे हैं कि क्या है, कहता पिक्टोग्राफ इज नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग, वो ज़्यादा टाइम लेता था लेकिन ये क्या है उसको समझना भी मुश्किल था, लेकिन इसका डाटा जो है इससे हम आसानी से समझ सकते हैं। कैसे, बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ कैन बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टली और ये वर्टिकल, इनकी चौड़ाई जो है वो सेम है, स्पेसिंग बिटवीन देम उसको क्या कहते हैं हम, बार डायग्राम से हम शो करते हैं। कहते कैसे, वर्टिकली विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम एंड देन द लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट द गिवन नंबर, ये जो इनकी इक्वल लेंथ जो है वो नंबर को शो कर रही है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जैसे एग्जांपल ही है यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल्स और टाइम इंटरवल्स की कितने समय में कितने व्हीकल चले हैं, ये एग्जाम्पल है हमारे पास, इसमें यहाँ पे शो किया हुआ है। ये देखो ये डायग्राम शो की हुई है, यहाँ पे नंबर्स ऑफ व्हीकल्स बताए हैं, यहाँ पे कितने हैं, कितने बजे से, 6 से 7 कितने व्हीकल चले और 7 से 8 कितने व्हीकल चले। उसी तरह इस ये थे एग्जांपल जस्ट, और क्वेश्चन क्या है इसमें आपको क्या है, 1 यूनिट लेंथ जो है 5000 टन को शो कर रहा है, ये साल को शो कर रहा है। 1998 में कितना अनाज की प्रोडक्शन हुई है, 1999 में कितनी हुई है, 2000 में कितनी, 2001 में, 2002 में। कहता है एक यूनिट लेंथ जो है वो 5000 टन को, ये कितने 5000 टन को शो कर रहा है एक यूनिट लेंथ, ठीक है। अब क्या है वो कहते हैं 1900, अब द बीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, द बीट प्रोडक्शन मैक्सिमम कितनी है, अब बीट प्रोडक्शन हमने बार डायग्राम बनाई है तो इसमें बीट प्रोडक्शन हमें देखने से पता चल रहा है, यहाँ पे 30 है, इट मीन्स कि कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा है, इन फर्स्ट क्वेश्चन का ए आंसर इन ईयर 2002, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में नंबर्स ऑफ व्हीकल्स बताए हैं कि टाइम में इंटरवल की 6 से 7, यहाँ पे देखो इस एग्जांपल में 6 से 7 कितने व्हीकल चले हैं, 100 चले हैं, ये 11 से 12 तक कितने चले हैं, 400 चले हैं, ये 7 से 8 तक 1200, सबसे ज़्यादा व्हीकल यहाँ पे चले हैं। उसी तरह इनकी प्रोडक्शन कितनी हुई है, 2002 में कितनी है, 30,000 टन, क्योंकि एक यूनिट जो है वो 5000 को शो कर रहा है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है 2002 में है। और फिर सेकंड क्वेश्चन है द बीट प्रोडक्शन मिनिमम कब हुई है, यहाँ पे मिनिमम कब है, इन 1998, इन ईयर 1998। अब समझ आ गया कि बार डायग्राम जो है इससे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल इक्वल लेंथ को शो कर रहा है, जिससे कि हमें ये पता लग जाता है कि कौन से साल में कितनी प्रोडक्शन हुई है, या फिर इस एग्जांपल से इस तरह पता लग जाता है कि कितने टाइम पे कितने व्हीकल चले हैं। जस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे जैसे शो किया हुआ है उसने 6 से 7, उसने कहा है कि 7 से 8 तक कितने व्हीकल चले हैं, ये देखो 7 से 8 तक कितने 1200 व्हीकल चले हैं, 6 से 7 तक कितने चले हैं, 100 चले हैं, और सबसे ज़्यादा कब चले हैं, सबसे कम कब चले हैं, तो हमें ये पता है 6 से 7 यहाँ तक चले हैं, 7 से 8 तक जो है ये इतने व्हीकल मैक्सिमम और मिनिमम। इसी तरह यहाँ पे क्या है कि कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुई है, 2002 में 30 और 1 यूनिट लेंथ जो है वो 5000 टन को शो कर रहा है। इन 1998 में जो है मिनिमम प्रोडक्शन, सबसे कम प्रोडक्शन हुई है कितनी, 15 टन, ठीक है। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।